गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली इंटीजर के बारे में, इंटीजर जान लिया क्या है, इंटीजर का एडिशन क्या है, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या है। ओके, दो से ज्यादा इंटीजर्स रहेंगे तब कैसे उनका ऑपरेशन करें, ये चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो उसको पढ़ाने से पहले एक बात आप लोग से कहना था कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बीच में छोड़ा मत कीजिए वीडियो को। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स और भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक, जैसे माइनस माइनस को अगर ऐड करना होता था, अगर दो साइन एक साथ लिखा रहता था, जैसे कि माइनस माइनस, ठीक है, तो ये मिलकर के क्या बन जाता था, प्लस हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम उसी तरीके से अब दो साइन को मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो क्या क्या केसेस बनेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहला दो तीन केसेस बनेंगे, देखिए, सबसे पहला दो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, या तो एक पॉजिटिव रहे दूसरा नेगेटिव रहे, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ये हमेशा बात याद रखिएगा। तीसरा केस रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा और एक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वही सेम केस ऊपर वाला ही, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। चौथा केस कि जब भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर के हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव, यानी साइन किसका, जब भी नेगेटिव इंटीजर रहेगा दो तो साइन हमेशा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग इन चारों केसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा पॉजिटिव इंटीजर का, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे पांच इंटू दो क्या हो जाएगा, इजी है, दस, पंद्रह इंटू पंद्रह क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इजी है, क्लियरली बात समझ में आया। छह इंटू सात क्या हो जाएगा, 42। ये तो हुआ हमारा पहला केस, देखिए इन सब में प्लस का साइन है ना, क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस के ऊपर, जो कि है कि अगर एक पॉजिटिव रहे और एक क्या रहे, नेगेटिव रहे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे मान लेते हैं कि 2 इंटू माइनस 3, ठीक है, 2 इंटू माइनस 3, तो देखिए मैंने क्या बोला कि साइन किसका रहेगा, हमेशा नेगेटिव का ही होगा, तो नेगेटिव का साइन लगा दिए। ठीक, अब 3 दुनी का कितना हुआ, 6, यानी कितना आ गया, माइनस 6। क्लियरली बात समझ में आया, मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे लेकिन बस साइन देख लेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो साइन हमेशा किसका होगा, नेगेटिव का ही होगा। जैसे 5 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा जी, 6 × 5 = 30, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अच्छा, 7 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा, -35। क्लियरली बात समझ में, मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे बस साइन का ख्याल रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, वही सेम चीज, या तो नेगेटिव पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव नेगेटिव रहे, बात बराबर ही है, तो देख लेते हैं फिर भी। जैसे -8 × 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, साइन किसका, माइनस का। ठीक है, 10 × −10 × 11 कितना हो जाएगा, 11 × 10 = 110, साइन किसका, माइनस का। ठीक है, −12 × 8 कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आए, बस हमें साइन देखना है, या अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव नेगेटिव रहे तो साइन हमेशा क्या होगा, माइनस का होगा। क्लियरली बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा, अगर दो नेगेटिव का इंटीजर रहे तो क्या होगा,
अगर दो नेगेटिव इंटीजर रहे और उसको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, -8 × -8, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई तो वैसे ही करेंगे, 8 × 8 = 64, लेकिन हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां जो साइन होगा वो प्लस का ही होगा, तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। -7 × -8 कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, साइन हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। -12 × -12 कितना हो जाएगा, 12 × 12 = 144, साइन हमेशा किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। -6 × -9 क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54, साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आ रही है। तो ये थे हमारे चारों केसेस जिसे हमें मल्टीप्लीकेशन में पढ़ना था, इतनी बात समझ में आई। अब एक छोटी सी बात और आती है कि अगर दो से ज्यादा इंटीजर रहे और उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, बस ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहता है कि 2 × -3 × 5, ठीक है, इस तरीके से रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 2 = 6 + 5 = 30, 30 लिख देंगे। अब साइन देखना है हमें क्या है, तो देख लेना है कि साइन एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिखते। क्लियरली बात समझ में आए। अच्छा, अगर क्वेश्चन रहे 5 × -3 × -6, अब क्या करेंगे, तो हम पहले सेम इट इज सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन लास्ट में देख लेंगे, यानी कि 5 × 3 = 15 और 15 × 6 = 90, 5 × 3 = 15 and 15 × 6 = 90 लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन साइन किसका लिखेंगे, तो ध्यान देंगे कि यहां पे दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियरली बात समझ में आए, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर क्वेश्चन रहता है कि तीनों नेगेटिव रहता है, कि -5 × -7 × -2, तो क्या हो जाएगा, देखिए तीनों नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, तो इस केस में भी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 70, तो 70 लिख देंगे, लेकिन अब साइन किसका लगाएं, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक माइनस और एक माइनस मिलकर के ये तो प्लस बना दिया है ना, ई माइनस इंटू ये माइनस मिलकर के क्या बनाया, प्लस, लेकिन प्लस इंटू फिर से एक बार माइनस होगा, ये मिलकर के क्या बनाएगा, तो प्लस इंटू माइनस मिलकर के क्या बनाता है, प्लस इंटू माइनस मिलकर के क्या बनाता है, माइनस, यानी साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। बात क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अगर एक छोटा सा और क्वेश्चन देख ले कि अगर -2 × -3 × -4 × -5, चार मल्टीप्लीकेशन रहे माइनस माइनस का, तो क्या करेंगे, तो देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 + 5 कितना हो जाएगा, 120, बात समझ में आया, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, तो एक माइनस इंटू एक माइनस मिलकर प्लस, दूसरा माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, यानी कि साइन हमेशा किसका होगा, प्लस का। क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, यही इसी तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ध्यान बस इतना ही देना है कि प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस ही होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, ये दोनों केसेस सेम है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस कीजिए या माइनस इंटू प्लस कीजिए, दोनों बात बराबर ही है, माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस मिलकर के क्या बनाता है, प्लस बनाता है। दो से ज्यादा साइन रहेगा, दो से ज्यादा इंटीजर रहेंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है, तो वहां साइन हम लोग चेक कर लेंगे, जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा कि यहां पे दो प्लस था एक माइनस था, तो प्लस 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 ही होता है,
प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसमें क्या था, दो माइनस था एक प्लस था, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना दिया, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, ठीक है। इसमें क्या था, तीन माइनस था, तो दो माइनस मिलकर प्लस हो गया और एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि सात पांच पैंतीस, पैंतीस दूनी का सत्तर। क्लियरली बात समझ में आया कि नहीं। मल्टीप्लाइंग में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, साइन हम लोग लास्ट में लगाएंगे, ओके। इसमें क्या था, चारों माइनस का था, तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस सिक्स हो जाएगा, और प्लस सिक्स इंटू फोर कितना हो जाएगा, माइनस फोर कितना हो जाएगा, छह चौका चौबीस, माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, और माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस फाइव कितना हो जाएगा, प्लस का 120। क्लियरली बात समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजन ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लीजिए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।